कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ किया, बीजेपी ने कर्ज माफी को छलावा बता दिया, कर्ज माफी पर लगा है टर्म एंड कंडीशन, क्या ऐसे पूरा होगा कर्ज माफी का मिशन। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता शुक्ला। विधानसभा चुनावों में किसानों से कर्ज माफी का वादा कर मध्य प्रदेश की सत्ता में आई कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। 17 दिसंबर को एमपी के सीएम के रूप में शपथ लेते ही कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कुछ ही घंटे के बाद कर्ज माफी के आदेश पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन कर्ज माफी के इस फैसले पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोलते हुए इसे प्रदेश के किसानों के साथ महज छलावा करार दिया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सरकार के किसान माफी के आदेश के दस्तावेज को ट्वीट करते हुए कहा कि छलावा किसानों के साथ, कमलनाथ सरकार ने उन किसानों का कर्जा माफ किया जिन्होंने 31 मार्च 2018 तक का लोन नहीं चुकाया, जबकि 95% किसान हर साल अपने बैंक खाते की पलटी कर नया लोन लेता है। लोन वर्तमान का माफ करना था और किया पहले का, जिससे 95% किसानों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। एमपी की कांग्रेस सरकार के आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2018 से पहले जिन किसानों ने कृषि ऋण लिया है उन्हीं का कर्ज सरकार माफ करेगी। कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक और ट्वीट करते हुए कहा, 31 मार्च 2018 तक ही क्यों, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक खरीफ फसल के लिए लिया गया किसानों के ऋण का क्या हुआ? सबसे ज्यादा किसानों ने इसी बीच लिया कर्ज, ऋण समाधान योजना में पहले ही किसानों के ब्याज माफ हो चुके हैं, बचे किसानों के ही होंगे कर्ज माफ। बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी कांग्रेस सरकार के फैसले को किसानों के साथ छलावा बताते हुए कहा कि कर्ज माफी का वादा कर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। उसने वचन पत्र में लिखा था कि सभी किसानों का कर्ज माफ होगा, अब ये रास्ता निकालते हुए 31 मार्च 2018 से पहले के किसानों का कर्ज माफ कर रहे हैं। उसमें भी पात्र शब्द लिखा है, अप्रैल माह के बाद लिए कर्ज को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इधर बीजेपी कर्ज माफी के टर्म एंड कंडीशन पर सवाल उठाकर कांग्रेस को घेर रही है, तो वहीं कहा जा रहा है कि अगर 31 मार्च तक के कर्जदार किसानों का कर्ज माफ किया जाता है तो करीब 80,000 किसान इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, जिसकी वजह है मार्च अप्रैल में कर्ज चुकाकर एक बार फिर कर्ज लेना।